फंक्शन के प्रोग्राम के लिए मैंने एक दिया था डिवाइन आर क्लास रेलवे टिकट, देखो कैसे होगा। पहले तो इम्पोर्ट की तीन कमांड, इम्पोर्ट जावा डॉट आयो, इम्पोर्ट जावा, जब तक घर बता दे क्या करता है ये तीनों कमांडें क्या करती हैं, जल्दी बता। बस कह रहा हो गया जावा पैकेजेस को इम्पोर्ट करवा दे लाइब्रेरी पे। कौन से क्या करते हैं वो में? अरे वो क्या करने के लिए होता है ये तीनों करती क्या है ये पूछ रहा हूँ। लैंग में क्या होता है? मतलब एक तरीके से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज फंक्शंस पास वो सब इसमें ही होता है। ओके, तो डिफाइन क्लास रेलवे टिकट, यहाँ पे आपको एक मार्क्स मिलेगा क्योंकि उन्होंने वही सजेशन में दिया है आपको कि क्लास का नाम क्या होना चाहिए, वो आपको लिखना है। इसके बाद वो कह रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल डेटा मेंबर, जिसमें वो बोल रहे हैं स्ट्रिंग नेम, और आपको चाहिए कोच, और आपको चाहिए बस, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग में, एक लॉन्ग में चाहिए मोम नंबर, और एक इंट में चाहिए टोटल एम, ठीक है, और एक और टोटल एम पे, ठीक है। यस सर। बाय बाय जी, ओरिजिनल। हाँ बोलो। सर इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? जस्ट क्लास के बाद बोलते हैं, अभी बात कर लेंगे इसको, अभी इसमें ही बात कर लेंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़े। तो अभी इसके एक मार्क मिल गया और इसको असाइन करने का आपको एक मार्क मिल गया। कभी कभार, नॉट कंपल्सरी बट कभी कभार, इधर बेटा, कभी कभार ध्यान देना कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं इनके अलावा भी एक एक्स्ट्रा इंस्टेंस वेरिएबल आपको खुद बनाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टोटल अमाउंट क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, बट वो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करा रहे होते किसमें, कैलकुलेट वाले में, और उसको प्रिंट करा रहे होते प्रिंट वाले फंक्शन में। अब देखो सुनो क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने कहा टोटल अमाउंट आपने यहाँ पे नहीं दिया क्वेश्चन में, नहीं गिवन, समझ में आ रहा है, बट कैलकुलेट में टोटल अमाउंट कैलकुलेट करवाया है और प्रिंट वाले फंक्शन में उसको कैसे कर लो, आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि इंस्टेंस हो, जो कि हर जगह पे यूज कराना एक्सेसिबल हो, किसी को ग्लोबल वेरिएबल भी है, जो एक फंक्शन में भी एक्सेसिबल हो और दूसरे फंक्शन में भी एक्सेसिबल हो। बट लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल होते हैं? अबे वे चंदू हलवाई तुम जानते हो? नहीं जानते। क्यों? मेरे घर के पास, तुम्हारे घर के पास जो हलवाई है उसे मैं नहीं जानता, ठीक है, हलवाई को जानते हो? क्यों? ग्लोबल। आप जो वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर रहे हो वो जितने भी आप फंक्शन बनाओगे वो सब जानते होंगे, बट उन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाओगे उनको सब जानते होंगे, उनको कोई नहीं जानता, लोकल है बेचारे। समझ में आई बात? नहीं है। ओके, सो कोई डाउट है इसमें? चलिए अब आगे बात करते हैं मेंबर मेथड्स। वहां पे है वॉइड एक्सेप्ट, तो पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट स्कैनर, जो भी लेना है ले लो यार। एनी डाउट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर द नेम, नेम बोला ना पहले, टू इनपुट नेम, कोच, मोबाइल नंबर एंड अमाउंट, एंड अमाउंट कस्टमर, अरे और कस्टमर तुम डालते रहे ना भाई, ठीक है, ये डाल दिया। अब नेम इक्वल्स टू डीजे डॉट नेक्स्ट लाइन, लाइन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ये चीज याद रखना, ठीक है, नेक्स्ट इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है आप सर नेम भी डालें, और मोस्टली अगर
आपने देखा हो एक ही स्कूल में या एक ही क्लास में तीन चार एक ही नाम के बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें डिफरेंशिएट सरनेम से करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन होना चाहिए, क्लियर है? आफ्टर दैट उसके बाद कोच, कोच भी किसमें, यहाँ मैंने नेक्स्ट में ले लिया, क्यों? तो कोच ये क्यों S1, S2, A1, A2 ऐसे तो डलता है कोच, तो वो एक ऐसा तो नहीं डलेगा A1 बच्चों, फिर उसके बाद है अमाउंट amt=dj.next, ठीक है? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, तुम सोच रहे हो मैंने अपनी तरफ से बनाया, नहीं बनाया, बोर्ड का क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आपने एक एक करके कॉल करा, आपको दो मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको फंक्शन के प्रोग्राम तो आपको आने चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा आपको फंक्शन के प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहे, ये तो टिप पे होना चाहिए यार। लॉजिक को तो बाद में हटाओ यार, लॉजिक तो प्रैक्टिस कर करके आएगा, सीधी बात है, उसको तो कोई और नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर तो बनाओ। कई लोग तो लॉजिक भी बनाते हैं, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, स्ट्रक्चर के आगे का भी बनाते हैं, लॉ में पूरा आता है, वो स्कैनर यहाँ भी बनाते हैं, वो स्कैनर यहाँ भी बनाते हैं, अगले फंक्शन में भी स्कैनर बनाएंगे। भाई आप पता क्या कर रहे हो, आप अपने मार्क्स कटवा रहे हो बेफिजूल में, क्यों? जब वो बोला है इनपुट इसमें लेना है तो स्कैनर किसमें बनना चाहिए, इसमें बनना चाहिए, बाकी जगह क्यों बना रहे हो अननेसेसरी, नहीं करना, समझ में आया? बहुत बच्चों के मार्क्स कटे तो ये नहीं करनी। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है बताओ? पब्लिक वॉइड अपडेट, तो पब्लिक वॉइड अपडेट, ठीक है? कभी आपको आज तक वैसे मॉस कम आया है, एक आधा बार आया है, सभी भी कॉमन नहीं आया, रिटर्न फंक्शन भी आया है, अभी तो मैंने आपको जितने भी कराया वो सब नॉन रिटर्न है, इसलिए सब में आप वॉइड देखते हो, ठीक है? आज नहीं, मैं आज आपको बट एक प्रोग्राम जरूर भेजूंगा, वो मैं खुद ही बनाऊंगा अपने आप, क्योंकि मेरे को नहीं मिला, मिला है तो वो टफ है बहुत। अभी पहले फिलहाल इंट्रोडक्शन हो जाए आपको कि कैसे रिटर्न फंक्शन काम करता है, ठीक है? तो मैं आपको भेजूंगा, आपको वो लिखना है और फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और कैसे वर्क करता है वो भी सिखाऊंगा। इतना समझ में आया? ओके, अब देखो फर्स्ट एसी कोच है तो क्या करें, 700, सेकेंड है तो, अब देखो यहाँ पे मैं ये ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, टू अपडेट द अमाउंट एज पर द कोच सेलेक्टेड, मतलब जो भी उन्होंने अमाउंट डाला है उसमें कोच के हिसाब से और पर्सन ऐड कर दोगे। देखो ना, टेक अ इनपुट नेम, मोबाइल नंबर, अमाउंट, अमाउंट ऑलरेडी लिया जा चुका है बट अमाउंट को अपडेट करना है, यानी टोटल, जब भी आपको टोटल अमाउंट अलग से बोल रखा है तो क्या करना होगा, जो भी अमाउंट है उसमें क्या करोगे आप, ये चीज ऐड करोगे किसके हिसाब से, अगर उन्होंने फर्स्ट एसी लिया है, सेकंड एसी लिया है, जो भी लिया है, तो उन्होंने एसी की कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मान लो आपने कोच में ले रखा, तो इफ कोच इक्वल्स इग्नोर केस इक्वल्स, एस लगाना, ठीक है? इक्वल इग्नोर केस और ब्रैकेट में क्या जाएगा, डबल कोट में फर्स्ट एसी, फर्स्ट अंडरस्कोर एसी, ऐसा होगा। अब देखो तो टोटल, टोटल का टी कैपिटल है नहीं, टोटल एएमटी इक्वल्स टू एएमटी प्लस 700, कितनी बात समझ में आई है? ये इक्वल इग्नोर केस है, मैं बता रहा हूँ कैसे वर्क करता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ये कोच है, कोच में किसी ने डाला हुआ फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या जो भी है स्लीपर, ऐसा कुछ लिखा होगा उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसी अकॉर्डिंग मानेंगे कि ये डाला है किसी, तो जिसने भी जो डाला है वो कोच में, हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं कि जो भी डाला है इसके अंदर क्या डाला हुआ, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, वो किसके इक्वल है, फर्स्ट एसी के इक्वल है, तो अमाउंट में 700 जोड़ के टोटल अमाउंट बन जाए, हम इन्हें कंपेयर करें। और इग्नोर केस उसमें क्या वर्ड यूज कर रहा है कि अगर मान लो किसी ने फर्स्ट एसी सारा कैपिटल लिख दिया तब भी वो इग्नोर करे उस केस को और तब भी कंपेयर करे कि फर्स्ट एसी क्या उसने फर्स्ट एसी ही लिखा है,
समझ में आया या नहीं आया? डाले सबको कंपेयर करें। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोच में क्या होगा, वो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, चार ही ऑप्शन है आपके क्वेश्चंस में, इन चार के हिसाब से डालेगा। अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो जो आपने डाला वो क्या है, फर्स्ट एसी है या जो भी अभी हम डालेंगे सेकंड एसी का ऑप्शन भी लिखेंगे, वो क्या है। ये इक्वल इग्नोर केस क्या करता है, वो कहता है ये चीज इसके इक्वल है, बस चाहे कैपिटल हो स्मॉल। इक्वल इग्नोर केस क्या कह रहा है, केस को इग्नोर कर दो, मतलब वो कैपिटल लिखा हो स्मॉल लिखा हो, इन्हें केस कहते हैं, अपर केस और लोअर केस। कैपिटल लेटर मतलब अपर केस, लोअर केस मतलब स्मॉल कैरेक्टर। तो स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो फर्क नहीं पड़ता, बट वो लिखा होना चाहिए फर्स्ट एसी। अगर फर्स्ट एसी लिखा है तो 700 जोड़ दो अमाउंट में। समझ में आई बात या नहीं? अब आया वैसे, चलो अभी फिलहाल रुको, इसका मैं दूसरा ऑप्शन भी बता दूंगा अगर ये नहीं आ रहा तो। बट मोस्टली जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो यही है, इग्नोर केस। इग्नोर और केस का कैसे कैपिटल कैसा है, सेकंड एसी। अब ध्यान से देने की बात ये है, मल्टीपल इफ में ये होता है ना कि अगर वो एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशन में भी हो तो उसमें भी जाएगा, एज इफ में नहीं जाता। एज इफ में अगर वो एक कंडीशन को भी ट्रू कर दिया तो उसी में रहेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। ये फायदा होता है इसका। कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर थर्ड एसी, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 400 250 एल्स टोटल अमाउंट इक्वल्स टू खत्म। और ये बंद कर दो यहाँ पर, क्लियर है नहीं है? यस सर। इसमें यही क्या बताओ, इग्नोर केस की जगह हमने वो लगा दिया डबल इक्वल टू, गलत। स्ट्रिंग और केस, स्ट्रिंग इक्वल डबल इक्वल टू से कंपेयर नहीं होते, कैरेक्टर्स और नंबर एक डबल इक्वल टू से कंपेयर होते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग जो है इक्वल इग्नोर से है जी, स्विच से। हाँ बिल्कुल, अभी वो इसी पे आ रहा हूँ, स्विच और इफ एल्स, दूसरा इफ एल्स। अगर आपको ये अभी ऐसे हमें आपने स्ट्रिंग नहीं पढ़ा, आपको स्ट्रिंग नहीं समझ में आ रहा, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, फिर क्या करोगे, तो आप मेन्यू बनाओ, एंटर वन फॉर एसी, एंटर टू फॉर सेकंड एसी, एंटर थ्री फॉर थर्ड एसी, एंटर फोर फॉर स्लीपर, और फिर चाहे स्विच से करो एफ से करो, उसको नंबर को आई में ले लेना और आई को डबल इक्वल टू से कंपेयर कर लो, तो आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा बढ़िया। बिल्कुल ले सकते हैं, कौन मना करता, बट इतने मत ले लेना, तुम कौन मना करता 50 लेके बैठ गए। हाँ बिल्कुल, उतने वो तो चलेंगे यार, वो तो हो सकता है, बट इतने ही मत ले लेना कि हर एक छोटे छोटे काम के लिए वेरिएबल लेते चले जा रहे, लेते चले जा रहे, वहाँ पे अलग सी भीड़ बना दी वेरिएबल की। और इसके बाद क्या है, पब्लिक डिस्प्ले, वर्ड भी तो है, पब्लिक वर्ड डिस्प्ले। अब इसे प्रिंट करा दोगे ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम, तो प्लस नेम करा दिया, अब ऐसे सारे प्रिंट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो सिस्टम डॉट प्रिंट एलन में। और दूसरी क्या है, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, कोच, फिर मोबाइल नंबर, और फिर लास्ट में टोटल अमाउंट, अमाउंट ही टोटल अमाउंट। ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये प्रिंट करा जाएगा। लास्ट में आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम मेन किसी फंक्शन में अभी हमने स्ट्रिंग नहीं लगाया, ओ सॉरी वो नहीं लगाया स्टैटिक, बट हमने यहाँ पे लगाया मेन फंक्शन में स्टैटिक, क्यों? करके लाना, सारे फंक्शन को हमने स्टैटिक नहीं बनाया, बट मेन फंक्शन को हमें स्टैटिक बनाना पड़ता है,
तो ऐसा कुछ नहीं, आराम से ढूंढो, बुक में है, कोई से भी बुक ढूंढ लोगे सब बुक में होगा। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनता है, किसका वेरिएबल होता है ऑब्जेक्ट, क्लास। क्लास क्या है, रेल टिकट। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ओबी न्यू रेलवे टिकट, ठीक है। और फिर ओबी लगा के क्या कॉल करोगे, उसके बाद ओबी डॉट, उसके बाद ओबी डॉट डिस्प्ले, ओबी डॉट डिस्प्ले। क्लियर है, इतना सा प्रोग्राम करते हैं।